What is NSDL and CDSL? So NSDL is National Securities Depository Limited and CDSL is Central Depository Service Limited. तो ये दोनों क्या बेसिकली दो डिपॉजिटरीज है हमारे इंडिया की, जैसे कि हम जो भी सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो सब जाकर यहाँ पर स्टोर होती है, मतलब डिपॉजिट हो जाती है. अब आप ये तो जानते हो क्योंकि हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज, एक BSE एंड NSE, तो BSE की डिपॉजिटरी होती है CDSL, वहीं पर NSE की डिपॉजिटरी होती है NSDL. अब एक और टर्म आती है, दैट इज DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. तो यार आपका डीमैट अकाउंट तो जरूर होगा जो कि किसी ना किसी ब्रोकर के साथ होता है, जैसे कि मेरा ग्रो के साथ है, तो इसी ब्रोकर को DP भी कहा जाता है, डेट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है. थोड़ा और डीपली समझते हैं. मान लो मेरे को कोई भी शेयर खरीदना है, मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो क्या वो जाके ग्रो पे स्टोर होगा? नहीं, वो जाके स्टोर होगा मेन डिपॉजिटरीज पे, CDSL या फिर NSDL पे. ये ब्रोकर जो होते हैं, DP होते हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा वगैरह, ये सब तो क्या एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करते हैं हमारे और इन मेन डिपॉजिटरीज के बीच में. तो आप जो भी शेयर वगैरह खरीदोगे DP के थ्रू, डेट इज ब्रोकर्स के थ्रू, वो एक्चुअल में तो क्या है, इन मेन डिपॉजिटरी CDSL या फिर NSDL पे जाके स्टोर हो रहा होता है.